हेलो मिस्टर अज्ञानी, बात कर रहे हैं फ्रॉम हेड ऑफिस। हाँ बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल जी सर। मैं मिस्टर अज्ञानी बोल रहा हूँ, भोपाल ब्रांच का मैनेजर। सर आपको कुछ हमारे ब्रांच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी थी। ओके बताओ। हाँ सर, तो ब्रांच के बारे में मुझे ये बताना था सर कि इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में हमको टोटल 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जिसमें से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो केवल 6,000 करोड़ के, यानी हमारा जो 4,000 करोड़ का प्रॉफिट है वो इस बार हमारा हो गया है। मेजोरिटी एक्सपेंस के अंदर हमारे आ जाते हैं, हमने कुछ 2-3 प्रॉपर्टी एक्वायर की थी 1,000 करोड़ की, साथ ही साथ जो हमारा ऑफिस था वो भी अब बन के रेडी हो गया। उसके साथ साथ अपन ने 2-3 छोटी मोटी मशीन वगैरह भी खरीदी थी, जिसमें कॉफ़ी वाली मशीन ना बहुत बढ़िया, उसमें से जर्र जर्र करके ना बढ़िया से कॉफ़ी निकल के आता है, एकदम गरम गरम पियो तो एकदम मजा ही आ जाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस आता है वो लोगों की सैलरी के ऊपर आता है। हमारे जो इम्प्लॉयज है काम करते हैं उनको हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, साथ ही साथ बोनस वगैरह, फेस्टिवल बोनस वगैरह भी देना पड़ गया है हमको इस बार। उसी के साथ साथ कुछ हमारे इम्प्लॉयज़ जो खुश नहीं थे तो हमने उनको लात मार के निकाल दिया है, क्योंकि हमारे पास 150 रेज्यूमे ऑलरेडी पड़े थे, तो 10-20-50 इम्प्लॉय छोड़ के भी चले जाएँ तो कोई फ़र्क यहाँ पर पड़ता नहीं है। अब बात करूँ मैं अगर कुछ मार्केटिंग की, तो अच्छा एक काम करो, इसका मुझे एक PPT बना के ना आप मेल कर दो, मैं चेक कर लूँगा जो भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है सर, ओके बना के भेज देता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ठीक। ओके तो जैसा कि आपने प्रीवियस स्केट में देखा कि एक ब्रांच मैनेजर अपने हेड ऑफिस को कॉल करके अपने ब्रांच के बारे में डिटेल्स देता है, सेम उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनकी बहुत सारी वेरियस ब्रांच होती है जो साल के एंड में अपने हेड ऑफिस को रिपोर्ट करती है कि उनकी ब्रांच की परफॉर्मेंस जो है वो साल भर की कैसी रही है। अब जरा सोचो कि जब इतनी सारी वेरियस ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन हेड ऑफिस के पास आएगी तो हेड ऑफिस को सबको रीड करना, एनालाइज करना, स्ट्रक्चर फॉर्म में अरेंज करना और उनके लिए कुछ डिसीजन लेना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, खास करके उस सिचुएशन में जब उनको इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मिल रही होगी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में या बहुत बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ में या टेक्स्टेबल फॉर्मेट में मिल रही है। तो उस केस में सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करना, उनको प्रॉपर एनालाइज करना और उनसे कंक्लूजन निकाल के डिसीजन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए आज मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं आपके पास। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी नमन अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू आवर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके CMA फाउंडेशन पेपर नंबर 1 के बिजनेस कम्युनिकेशन के लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जो कि बात करता है यूज ऑफ ग्राफिक्स एंड रेफरेंसेस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके तो जैसा कि आप पहले ही स्किट में देख चुके हो कि भैया एक ब्रांच मैनेजर ने अपने क्या किया, हेड ऑफिस को बहुत सारी डिटेल्स दी जिसमें से कुछ डिटेल्स फालतू भी थी, सेम उसी तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस की डिटेल्स एक हेड ऑफिस के पास आती है जिनको डिसीजन लेने में उनको दिक्कत हो जाती है। तो क्या करें इस सिचुएशन में, डिटेल्स देना, कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना तो भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है हमको चाहिए भी, रिकॉर्ड करना भी चाहिए और उसको अपने हेड ऑफिस को देना भी चाहिए। तो क्या हम ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे जो सारी डिटेल्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक प्रॉपर तरीके से हेड ऑफिस के पास पहुंच जाए, जिससे हेड ऑफिस जब उस डिटेल्स को देखने बैठे, डाटा को सबको रीड करने बैठे सारे डेटा को, तो उनको कोई भी तरीके की किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो, बहुत कम टाइम में वो सारी डिटेल्स को समझ पाए और उस पर अपना डिसीजन जो है या अपना ओपिनियन है वो दे पाए। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल है अपने पास और वो सॉल्यूशन है कि हम यूज कर सकते हैं ग्राफिक्स और रेफरेंसेज, ठीक है। रेदर देन पैराग्राफ में लंबे लंबे एकदम भैया बुक बना बना के हम अपनी डिटेल्स को भेजे हेड ऑफिस के, उसकी जगह में हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफिक एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफिक प्रोवाइड करता है बर्ड्स व्यू ओवर द डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट, जो कि हमको अलाउ करता है, हमको यानी हेड ऑफिस को अलाउ करता है कि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को एक समरी फॉर्म में पढ़ सके, देख सके और उसको एनालाइज कर सके। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। जैसे अगर आपको 10 पेजेस का एक नोटबुक मिल जाए, ठीक है, उसी की जगह उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिसीजन लेने के लिए काम करेगी, वही आपको PPT की एक स्लाइड में प्रॉपर तरीके से चार्ट्स के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में आपको मिल जाए, तो आपके लिए कौन सा काम आसान होगा, वो 10 पेज को पढ़ना या वो एक पीपीटी की स्लाइड को देखना? आंसर इज वेरी सिंपल कि एक पीपीटी की स्लाइड को हम देखेंगे जिसमें प्रॉपरली चार्ट में, स्ट्रक्चर फॉर्म में, अट्रैक्टिव तरीके से कलर्स का यूज करते हुए कोई हमारे पास डेटा या इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो वो हमारे रिलेटिवली रीड करना, उसको समझना और उससे कंक्लूजन निकालना, एक ओपिनियन फॉर्म करना काफी ज्यादा ईजी होगा कंपेरिजन टू 10 पेजेस की वो नोट को। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यही प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आती है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिक्स का, रेफरेंसेस का यूज कर सकते हैं। अब ग्राफिक्स क्या होता है आप सभी को पता है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स प्रेजेंटेशन का यूज करना, उसके बारे में अपन और डिटेल में अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिक एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज किया जा सकता है डेटा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, एक दूसरे को सेंड करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट आपने कंप्यूटर वगैरह में सीखा होगा, ITIP वगैरह में क्या होता है फ्लोचार्ट, कुछ इस तरीके का आपको चार्ट देखने को मिलता है कि भैया क्या चीज हमने चालू की, क्या डिसीजन लिया, यस हुआ तो क्या हुआ, नो हुआ तो क्या हुआ, और इस तरीके से हम प्रॉपर जो भी इन्फॉर्मेशन है, लंबी चौड़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन, हम छोटे से ऐसा चार्ट में एरो बना के इजी फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही सिंपल होता है फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट क्या है भाई, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच
ऑल्सो शोज अस वॉट हैपन इफ वी आर मेड टू चूज बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव, जो हमको बताता है कि अगर हम ए ऑप्शन चूज करेंगे तो क्या होगा, बी ऑप्शन चूज करेंगे तो क्या होने वाला है. इट स्पीड्स अप द एक्सप्लेनेशन प्रोसेस, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, हाउएवर समटाइम्स लेंथी फ्लोचार्ट टेंड टू बिकम कॉम्प्लिकेटिंग. ठीक है, फ्लोचार्ट किस लिए यूज होते हैं, कि एक्सप्लेनेशन को हमारे इजी करने के लिए, कि हमने भैया क्या डिसीजन लिया, उससे क्या हो गया, अगर ये डिसीजन लेते तो क्या होते. ठीक है, तो इससे हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक अच्छी खासी लेंथी इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं. बट कई बार क्या होता है, अगर फ्लोचार्ट ही हमारा बड़ा बन जा रहा है, लंबा बन जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है. तो इसीलिए जब भी हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है थ्रू फ्लो चार्ट, तो हमको क्या करना है, कोशिश करना है कि जितना ज्यादा कंसाइज, यानी जितना ज्यादा हम छोटा कर सकते हैं फ्लो चार्ट को, उतने में ही अपनी इन्फॉर्मेशन समराइज करके सेंड करें. दूसरा है प्रेजेंटेशन. अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अपना प्यारा नन्ना मुन्ना पीपीटी, क्लास 5th 6th से आप लोग बनाते हुए आ रहे हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पीपीटी क्या चीज होती है. उसमें वेरियस एनिमेशन अपन कर सकते हैं ताकि लोगों का ध्यान अट्रैक्ट हो, एकदम शॉर्ट में समरी में अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसमें अपन चार्ट हो गया, ठीक है, बार ग्राफ्स हो गया, सारी चीजें अपन उसमें ऐड कर सकते हैं. टेबुलर में कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना है, इमेजेस वगैरह का यूज करके हम जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसको अपन प्रॉपर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. क्लियर है? हाँ जी सर. थर्ड इज कलर कोडिंग. अब अगर हमको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही हमको अगर भेजनी है, ठीक है, लंबे लंबे अगर हमको डॉक्यूमेंट पैराग्राफ के फॉर्म में ही भेजनी है, तो उसमें भी हम कलर कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं अपने नोट्स में करता हूं. जैसे जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको भैया रेड में हाईलाइट कर लो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ ये चीज कुछ रेड में है, यानी इंपॉर्टेंट है. वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करके हम एक डॉक्यूमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, की फैक्टर्स है, या जहां पे रीडर का ध्यान जाना चाहिए, उसको अपन हाईलाइट है प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं. उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अपने नोट में यूज करता हूँ. एक एग्जाम्पल उसका देखो, जो मेन हेडिंग है आपको मिल जाएगी रेड कलर में, पॉइंट्स जो भी हैं वो आपको पिंक कलर के में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट कुछ भी है तो आपको बोल्ड रेड में मिल जाएगा, अगर पिंक वाले के अंदर कोई सब पॉइंट आता है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी हेडिंग जो है वो पर्पल कलर में हो जाएगी. तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करते हुए हम इन्फॉर्मेशन को अलग कर सकते हैं और दिखा सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज में आपका ध्यान जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं, हाईलाइटेड इन रेड कुड मीन मैटर रिक्वायरिंग अर्जेंट अटेंशन एंड नीड्स टू बी चेक, ब्लू कुड मीन मैटर ऑफ कंसिडरेबली लोअर सिग्निफिकेंस, एंड ग्रीन मीन्स डिजायरेबल सिचुएशन. ठीक है, अगर कोई ब्लू कलर से हाईलाइट है तो इसका मतलब ये अपन निकाल सकते हैं कि यार इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. पर इसमें भी एक आपको डिस्क्लेमर टाइप का देना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि हमने ये कलर स्कीम यूज किया, इस कलर का ये मतलब होता है. क्लियर हो गया? हाँ जी सर. नेक्स्ट इज टेबल्स एंड ग्राफ. ग्राफ बहुत तरीके के आप लोगों ने पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में भी देखा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट. ठीक है, तो दुनिया भर के टेबल्स हो गया. टेबल्स एक्सेल शीट में अपन बना सकते हैं टेबल को, उसके थ्रू जो हमें डेटा वो प्रेजेंट कर सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर हमारी ग्रोथ कैसी है, बार चार्ट से प्रॉपर तरीके से अपन दिखा सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर स्टॉक मार्केट में आप इंटरेस्टेड हो तो स्टॉक मार्केट में भी आपको लाइन चार्ट देखने को मिलता है कि भाई स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. तो इजीली जो भी डेटा है हम बार ग्राफ से या टेबल वगैरह को यूज करते हुए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे ग्राफ क्या है, ग्राफ क्यों यूज होता है, टू समराइज द डेटा, वेयर एज टेबल्स आर यूज फॉर ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स मेक ईजी टू अंडरस्टैंड द ब्रेकअप एंड समराइज द कंटेंट ऑफ लार्ज बल्की रिपोर्ट्स. टेबल्स इन एमएस एक्सेल और स्प्रेडशीट ऑल्सो मेक इट ईजी टू रन कैलकुलेटर्स एंड क्रिएट रिपोर्ट्स. ग्राफ आर इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल और बल्क ऑफ अ डेटा. ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट का यूज करते हुए, और उसी को अपन ग्राफिकल फॉर्म में ग्राफ्स वगैरह यूज करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन में, जिसको क्या होगा, इतना लंबा चौड़ा डेटा एकदम एक बार ग्राफ में एक पेपर में अपने को मिल जाएगा. नेक्स्ट इज मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह. ठीक है, कुछ शॉर्ट वीडियोस वगैरह अपन बना के क्या कर सकते हैं, एनिमेशन का यूज करते हुए हमको अगर कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, कोई चीज बतानी है, ठीक है, या अगर हमारे कुछ प्रोडक्ट का डेमो देना है कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है, इसके अंदर में ऐसा मैकेनिज्म यूज हुआ हुआ इस तरीके से काम करता है, तो वो हम कैसे बताएंगे. अब प्रोडक्ट को तो आप मीटिंग में खोल के दिखा नहीं सकते क्योंकि भाई वो बंद है प्रोडक्ट, बट ऑब्वियस, बट उसके अंदर का कैसा मैकेनिज्म है, ये हम एनिमेटेड वीडियो के एग्जाम्पल से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से सामने रख सकते हैं. तो सिंपल यही है कि ग्राफिक का यूज करते हुए, ठीक है, क्रिएटिविटी का यूज करते हुए हम बड़े बड़े डेटा को या इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, ताकि वो प्रॉपरली समझ में भी आए और उससे हम जो है अपना डिसीजन भी ले पाए. तो 5 तरीके हैं टोटल जिससे हम अपने लंबे चौड़े डेटा को इजी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहला फ्लो चार्ट, दूसरा है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी, तीसरा है कलर कोडिंग, चौथा है टेबल एंड ग्राफ एमएस एक्सेल वगैरह का यूज कर सकते हैं, और 5th है अपना मोशन ग्राफिक्स वाली चीजें. ठीक है, ग्राफिक शॉर्ट एनिमेशन वीडियोस वगैरह यूज करके हम कोई भी चीज को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब आते हैं मोशन ग्राफिक्स का एक सबसेट है कि इसके एडवांटेजेस क्या है ग्राफिकल ग्राफिक एलिमेंट्स को. ठीक है, ग्राफिक एलिमेंट्स को यूज करने के एडवांटेज क्या है, तो ग्राफिक एलिमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, अलाउ करता है यूजर को परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड ड्रॉ रिपोर्ट्स. ठीक है, टेबल्स वगैरह ग्राफ वगैरह से अपन क्या कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में हम पूरा जो मैथमेटिकल है कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. ठीक है, एमएस एक्सेल में फॉर्मुला डाला और अपने को फटाफट ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज निकालना हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया किसी चीज की, प्रेजेंट वैल्यू हो गया, सारी चीजें अपन एमएस एक्सेल में कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट, चार्ट्स एंड टेबल्स आर इजी टू एक्सप्लेन है और अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रीट है, इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को, उससे इंटरप्रीट यानी कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर सकते हैं. फिर
क्योंकि ये बड़े बड़े डेटा को एकदम शॉर्ट फॉर्म में अपने सामने रिप्रेजेंट कर देता है, तो इससे हमारा टाइम बचता है, ठीक है, हमको 10-10 पेज नहीं पढ़ने, रेदर देन एक स्लाइड में ही हमारा काम हो जा रहा है और उससे हम डिसीजन भी फॉर्म कर पा रहे हैं। फिर ये कलरफुल होते हैं, तो इससे क्या होता है, लिसनर्स का जो भी है अटेंशन को बहुत प्रॉपरली ड्रॉ कर पाता है। प्रेजेंटेबल होते हैं, कलरफुल होते हैं बोर्ड मीटिंग्स वगैरह में, ठीक है, या आप कोई भी और दूसरे लेवल की मीटिंग है उसमें भी आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एडवांटेजेस हैं ग्राफिक एलिमेंट्स का। अच्छा, इनके डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि हर कॉइन के दो साइड होते हैं, तो जहां एडवांटेजेस हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है भैया, तो जो भी पीपल टेक सेवी यानी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी उनको समझ में नहीं आती, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फोन तो हर कोई के पास आ गया बट फोन को प्रॉपर तरीके से यूज करना आज भी बहुत लोगों को नहीं आया। लोग व्हाट्सएप में अकाउंट बना लेते हैं बट उसको प्रॉपरली यूज करना उनको नहीं आता है। आपको आता होगा, मुझे आता है, बट आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी छोटे मोटे पॉपअप्स वगैरह में फंस जाते हैं कि ओके करना है, नो करना है, क्या चीज करना है। तो जो भी बहुत ज्यादा टेक सेवी लोग नहीं है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से अपने ज्यादा अपडेटेड नहीं है, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है चीजों को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर हम ग्राफिक्स, हैवी ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स का यूज कर रहे हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को, उस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। साथ ही साथ भैया वीडियो डिजाइनिंग एक्सपेंसिव भी होती है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी चाहिए। हम और आप बैठ के एनिमेशन नहीं कर सकते अगर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्यों नहीं है, क्योंकि स्कूल वगैरह में एनिमेशन नहीं सिखाया जाता। स्कूल के बाद अलग से हमको अगर सीखना है तो अलग से हमको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती है और वहां पे हमको एनिमेशन वगैरह स्किल सीखना पड़ता है। उसके बाद थ्योरेटिकल डेटा कैन नॉट बी इजिली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, ठीक है, ये एक और डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है कि जो थ्योरेटिकल डेटा है, ठीक है, नंबर्स की बात नहीं कर रहा, अगर थ्योरी में लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं तो उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंटेशन उसका प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो। तो ये थे ग्राफिक एलिमेंट्स के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपन आज के और इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रेफरेंसिंग, ठीक है। तो रेफरेंसिंग क्या होता है, रेफरेंसिंग क्या होता है, अगर कोई भी हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमको कहीं से असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो वहां उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, रेफरेंस। जैसे ये जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ये नोट्स का इसको मैंने रेफरेंस लेते हुए बनाया है आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स से, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स में मैंने कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है हाईलाइट कर दिया, हेडिंग सब हेडिंग को प्रॉपरली तरीके से सेग्रीगेट करके दिखाया है, कुछ इमेजेस हैं, कभी कोई चार्ट्स हैं, वन लाइनर्स हैं, वो सब मैंने ऐड किया। तो ये क्या किया, मैंने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को पूरा बेस लेते हुए, उनसे रेफरेंस लेते हुए कि उनकी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है, उनका पैराग्राफ कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, उस हिसाब से मैंने अपने स्टडी मटेरियल को क्या किया है, डिजाइन किया है, ठीक है। तो जब आप कहीं से किसी और के काम को देख के रेफरेंस लेते हो, ठीक है, एक तरीके से प्रेरणा लेते हो, ठीक है, एक आइडिया लेते हो कि कैसा आइडियली एक काम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। जैसा अगर आपको कल को जाके आप सोच रहे हो कि मुझे एक मूवी बनानी है, ठीक है, एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, अब आपको स्टार्टिंग में कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं शॉर्ट फिल्म बनाने का, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, दूसरों शॉर्ट फिल्म्स देखोगे, दूसरों की मूवीज देखोगे, प्रॉपर ध्यान से देखोगे कि कैमरा एंगल कैसा होना चाहिए, लाइट कैसे होनी चाहिए, डायलॉग्स कैसे होने चाहिए, तो उससे आप क्या लोगे, रेफरेंस लोगे। जैसे अगर आपको मान लो एक एक्शन मूवी बनानी है तो आप क्या करोगे, 4-5 एक्शन स्टोरीज देखोगे, एक्शन मूवीज देखोगे कि उसमें स्टोरी लाइन क्या होती है, ठीक है, फिर कैसे शूट किया जाता है, बम धमाके होते हैं कि कार पलटती है कि क्या सारी चीजें होती है, तो उससे क्या करोगे, देखोगे, सीखोगे और उसको अपने प्रोजेक्ट में, अपने वर्क में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। हालांकि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करोगे बट उससे रेफरेंसेस आप ड्रॉ आउट करोगे कि ऐसा ऐसा इस तरीके से अपन अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं, इस तरीके से जो क्लाइमैक्स है उसको हम प्रॉपरली शूट कर सकते हैं और ये हमारा स्ट्रक्चर पूरी मूवी का होना चाहिए। तो बेसिकली रेफरेंस वही होता है कि प्रीवियस में जिन लोगों ने या जिन एक्सपर्ट्स ने काम को करके रख चुका है उसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं और उसको हम बेस लेते हुए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क का। यही है एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में कि रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस मतलब, ठीक है। इसके बाद ये जो पैराग्राफ है अब आपको रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इजी वे में समझा दिया कि रेफरेंस क्या होता है। दूसरों के काम को स्टडी करना और उनसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने काम में अपन यूज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस अपन बोलते हैं। फीचर्स क्या है रेफरेंस का, ठीक है, रेफरेंस हम क्यों करते हैं, रेफरेंस हेल्प्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म बाय मेकिंग इट क्लियर विच आइडियाज आर ओरिजिनल एंड विच बिलोंग टू समवन एल्स। जब भी अपन कभी रेफरेंस लेते हैं, जैसे आपके इंस्टीट्यूट ने भी आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बनाते हुए इधर उधर डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट ऑथर्स की बुक से रेफरेंस लिया, आप देखोगे लास्ट में या स्टार्टिंग में तो एक प्रॉपर रेफरेंस का आपको पॉइंट होगा, नीचे नीचे पॉइंट होगा कि ये चीज अपन ने यहाँ से रेफरेंस लेते हुए बनाया है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है कि हम प्रॉपर रिसर्च कर सके और बना सके, अगर वही रिसर्च किसी ने की हुई है तो उनके रिसर्च को हम उठा के एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं अपने नोट्स में या अपने प्रोजेक्ट वर्क में और हम वहां पे मेंशन कर देते हैं कि भैया ये इस पॉइंट का रेफरेंस हमने यहाँ से लिया हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो रीडर्स है उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये ओरिजिनल वर्क है और इसका रेफरेंस यहाँ से लिया हुआ है, तो ठीक है ऐसा ऐसा यहाँ पे डिफरेंस है। दूसरा, प्रॉपर रेफरेंसिंग शोज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अगर हम ढंग की जगह से रेफरेंस ले रहे हैं तो ये हमको दिखाता है कि हमारे हमको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है हमारे टॉपिक के बारे में, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रेफरेंसिंग प्रोवाइड्स सपोर्ट एविडेंस फॉर आइडियाज आर्ग्यूमेंट्स एंड ओपिनियंस। अगर हम कहीं भी किसी भी चीज से रेफरेंस लेते हैं, अगर मैं आके कुछ भी ऐसे ही रैंडम बोल दूं कि कल स्टॉक मार्केट जाके गिर जाएगा, ठीक है, या 2 साल बाद 10 साल बाद यहाँ पे दुनिया खत्म हो जाएगी या बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है या परसों बारिश होगी,
अगर मैं इस तरीके से डायरेक्टली कुछ भी हवा में तीर चला रहा हूँ तो ये मैं किसी बेसिस पे बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहा हूँ। बट वहीं अगर मैं रेफरेंस लेते हुए, ठीक है, रेफरेंस क्या करते हैं, एविडेंस देते हैं, अगर मैं बोलूँ कि कल बारिश होने वाली है या 2 दिन बाद बारिश होगी और वहां पे मैं रेफरेंस लगा दूं कि पिछले साल भी या पिछले 10 साल का अपन डेटा देखें तो भाई कल की डेट में हमेशा बारिश होती है, या अगर कुछ एक आध हफ्ते से अगर हम मौसम को एनालाइज करें तो ऐसा पूरी कंडीशन बन रही कि कल की डेट में बारिश होगी। तो ये मैंने क्या कर रहा है कि भाई 10 साल का डेटा ले लिया, एक हफ्ते की रिपोर्ट्स ले ली, उसको मैंने रेफरेंस यूज किया कि ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है और पिछले 10 साल से कल की डेट में बारिश हो रही है तो कल भी उस ट्रेंड के हिसाब से बारिश होगी या बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं जो भी चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जो भी अपना डॉक्यूमेंट है, अपना प्रोजेक्ट वर्क सामने पब्लिश कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या ले रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ अपने काम को सपोर्ट करने के लिए, एविडेंस के लिए, कि सामने वाला कल के कोई अगर मुझ पे आर्ग्यू करे, कुछ करे, तो मैं बता सकता हूँ कि देखो ये चीज मैंने हवा में तीर नहीं चलाया, इसके पीछे मेरी ये रेफरेंस मैंने लिया है बड़े बड़े लोगों की। क्लियर है? नेक्स्ट इज इट अलाउज थर्ड पार्टी टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज दैट वर हैव यूज्ड वाइल ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, थर्ड पार्टी को आइडिया लगता है कि भैया इन्होंने किन किन सोर्सेज से कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की है अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बनाने से पहले। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड उसके नीचे अपने को देखने को मिल रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग के एडवांटेजेस क्या है कि भैया हमारे पास अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो हम दूसरों ने जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगा के रिसर्च किया पर्टिकुलर टॉपिक में उनकी हम रिसर्च का क्रक्स को लेके अपने प्रोजेक्ट वर्क में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम सेव होगा। और क्या क्या दूसरे पॉइंट से देखते हैं, गुड रेफरेंसेस इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द वर्क। ठीक है, अगर हम ढंग की जगह से प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स से रेफरेंसेस लेंगे अपने वर्क के लिए तो हमारा जो भी वर्क है, जो प्रोडक्ट है, वो भी उसमें क्वालिटी हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज राइटर ऑफ्टन गेट्स न्यू आइडियाज एंड लर्न फ्रॉम द शॉर्टकमिंग्स दैट दे माइट एनकाउंटर व्हाइल प्रोसीडिंग देयर टॉपिक्स और आइडियाज एंड हेंस इट सेव टाइम। ठीक है, मैंने बताया आपको कि टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा सेव होता है। पुराने लोगों ने, पिछले लोगों ने क्या गलती की थी उनकी गलती से हम सीख सकते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में वो गलती ना करें, हमारा टाइम सेव होगा। फिर रिसर्च वगैरह, ठीक है, बेसिस ऑफ रिसर्च यूजिंग सेकेंडरी डेटा, जब भी हमको सेकेंडरी डेटा लेना है तो उसके लिए हमको रिसर्च की जरूरत पड़ती है, वहां से अपन रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में अभी 75% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट लोग हैं, तो क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? नहीं, मैं बता दूंगा कि भैया मैंने गवर्नमेंट की साइट से ये डेटा लेके और वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की साइट को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट की साइट को कोट कर रहा हूँ, यही क्या है, रेफरेंस है कि भाई गवर्नमेंट की साइट से मैंने देखा, गवर्नमेंट ने अपना सर्वे करवाया था, उनके सर्वे का ये रिजल्ट है कि भाई 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज लिटरेट। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो इससे क्या होगा, सेकेंडरी डेटा को आपको यूज करने का मौका मिलता है जिसको आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। फिर इट एक्ट एज अ प्रोटेक्शन ऑफ द ऑथर्स राइट ऑफ कॉपी राइटिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्लेजरिज्म। ठीक है, प्लेजरिज्म, कॉपीराइट एक सिंपल सिर्फ कॉपी पेस्ट ना हो, इसके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस क्या है, रेफरेंस समटाइम्स मे बी मिसलीडिंग और इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि जिस सोर्स से, हेलो, हो सकता है जिस सोर्स से आप अपना रेफरेंस ले रहे हो उनकी रिसर्च में ही कुछ फॉल्ट हो, तो आपने उतना टाइम तो लगाया नहीं, आपने देखा कि भाई ये कंक्लूजन है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में 75% लोग लिटरेट है, ऐसा गवर्नमेंट सोर्सेज बोल रही है, वहां से मैंने रेफरेंस ले लिया। बट हो सकता है गवर्नमेंट का जो सर्वे था वो प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट नहीं हो, एप्रोप्रिएट नहीं हो, हालांकि होने के चांसेस कम है, बट फिर भी ऐसा हो सकता है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो चीजें भी रॉन्ग हो सकती है। हो सकता है कि इंडिया में लिटरेसी अभी 80% हो, 85% हो, बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, 75% है। अब मैं क्या किया, वहां से रेफरेंस लेके अपनी रिपोर्ट बनाया कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 75% लोग लिटरेट है, 25% लोग इलिटरेट है, उनके पास बेसिक एजुकेशन नॉलेज वगैरह चीजें नहीं है। पर क्या ये ऐसा ट्रूथ है कि अगर इंडिया की लिटरेसी रेट अगर मान लो 85% है और मैं अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करूं कि इट इज 75% बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वे, अब गवर्नमेंट का सर्वे ही खुद गलत है तो मेरी रिपोर्ट भी गड़बड़ हो गई वहां पे। तो इससे क्या होगा, जो लोग उनको पढ़ेंगे मिसलीड हो जाएंगे, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलने वाली है। समझ में आ गया? हाँ जी सर, मिसलीडिंग हो सकती है। दूसरा है Sometimes the referencing style might be complicated to understand and interpret. ठीक है, कई बार जो होता है referencing का style जो है वो complicated हो सकता है, understand हम properly नहीं कर सकते हैं, again mislead हो सकते हैं। फिर too much reference क्या हो सकता है, originality में lack हो सकता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ reference के basis पे ही काम करेंगे तो original work वहाँ पे कहीं ना कहीं छुप जाएगा, वो एक तरीके से copy paste ही होगा। It will be like a new wine in old bottle, ठीक है, सिर्फ एक न्यू वाइन हो जाएगा ओल्ड बॉटल में अगर हम बहुत ज्यादा ही रेफरेंस लेके ले लेके ले लेके काम कर रहे हैं, कोई भी इसमें प्रॉपर कंक्लूजन या कुछ नया देखने सीखने को हमको नहीं मिलेगा। अगेन आगे नेक्स्ट पॉइंट अपना डिसएडवांटेज का कि इट ब्रिंग्स रिजिडिटी और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। भैया रेफरेंस लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जहां से रेफरेंस ले रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी गलत हो सकती है या बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं हो, बहुत ज्यादा पुरानी हो, तो हमारा रेफरेंस क्या है, गड़बड़ हो सकता है और हम अपने भी कभी भी प्रोजेक्ट वर्क में गड़बड़ चाहेंगे क्या, नहीं चाहेंगे। तो प्रॉपर ढंग का रेफरेंस ढूंढना, ठीक है, प्रॉपर रेफरेंस ढूंढना, प्रॉपर ढंग की जगह का रेफरेंस ढूंढना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, साथ ही साथ रिजिडिटी ले आएगा हमारे रिसर्च वर्क के अंदर में कि भाई
अब जैसा दूसरे लोगों ने बोला सेम के सेम वैसा ही हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अब चाहे वो रियलिटी से अलग हो या रियलिटी के साथ साथ में, अगर रियलिटी के साथ है तो बढ़िया है, बट रियलिटी से अगर वो अलग है और हमको रेफरेंस लेना ही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको वैसा ही रेफरेंस लेना पड़ेगा जिससे फ्लेक्सिबिलिटी डाउन हो जाएगी और रिजिडिटी बहुत ज्यादा अपवर्ड हो जाएगी। तो ये था आपका ग्राफिक्स और रेफरेंस का यूज, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है ऑलवेज, आप अपना डाउट जो है वो कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ कनेक्ट होना है, आप इंस्टाग्राम पे हम आपको मिल जाएंगे @ज्ञानी अकेडमी आपको सर्च करना, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, इसको ना भूलना।